हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बजाज पल्सर RS 200 का आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, प्लस दोस्तों बाइक का फाइनेंस के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोनों चीज़ें आप लोगों को एक ही वीडियो में देने वाला हूँ, यानी कि जो आज का कंटेंट है गाइस वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टफुल होने वाला है। गाइस देखिए, RS 200 आज भी मुझे लगता है 200 cc में, अगर 2 लाख रुपये के अंदर कोई फेयरिंग बाइक आप देखते हो तो आज भी मुझे नहीं लगता कि बजाज RS 200 अपनी जगह पर अच्छी बाइक नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बाइक आज भी बहुत अच्छी है, बस हाँ बाइक में थोड़ी सी अपडेट की ज़रूरत है, थोड़े फीचर्स की ज़रूरत है, थोड़ा सा लुक चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी ये जो RS 200 है बहुत सारे लोगों को दिल में बैठी हुई है। किनको किनको RS 200 पसंद है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं हमारी बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। ऑब्वियसली बात है गाइस प्राइस हमारे लिए फर्स्ट होना चाहिए, प्राइस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किसी अगर इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो 1,65,000, 1,65,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सोरूम प्राइस आ रही है। दोस्तों ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात करें तो उससे पहले आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फर्क होता है। गाइस ये बाइक हमारे यहाँ लगभग 1,90,000, 1,90,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस आ रही है। अब आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वोल्ट 200 cc BS6 DT SI FI इंजन लिक्विड कूल इंजन आपको बाइक में मिलता है। इस RS 200 में 199.5 cc का इंजन यूज किया गया है। इस बाइक में दोस्तों 24.5 का PS4 है जो कि 9,750 rpm में पावर जनरेट करता है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 18.7 का इंटरमीटेंट टॉर्क है जो कि 8,000 rpm में पावर जनरेट करता है। दोस्तों आप लोगों को RS 200 में जो पावर एंड टॉर्क है वो काफी बेहतर देखने को मिल जाता है। बाइक को दोस्तों 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में डिजाइन किया गया है, जी हां एक सिलेंडर में बाइक आती है RS 200। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस बाइक में दोस्तों कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूल इंजन आप लोगों को बाइक में देखने को मिल जाएगा। लिक्विड कूल इंजन होने की वजह से बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको काफी अच्छी मिलेगी, जिससे आपकी बाइक काफी कूल रहती है। बाइक में 4 वॉल्व है, ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है, स्टार्टिंग टाइप में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन बाइक में आता है। और ऑब्वियस सी बात है आजकल की जितनी भी नई जनरेशन की बाइक है उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ आता है, क्योंकि जो सेल्फ होता है गाइस वो FI के साथ ज़्यादा कंफर्ट होता है, जो FI होता है वो किक के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। क्लच में वेट मल्टीप्लेट क्लच है, यहाँ पे अगर स्लीपर क्लच हो तो और बेटर हो सकते थे। ट्रांसमिशन आप लोगों को बाइक में मैनुअल 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं। नॉर्म स्टेप एमिशन टाइप BS6 कंप्लाइंट इंजन है। तो ये था दोस्तों RS 200 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा काफ़ी अच्छी बाइक है। बात कर ले दोस्तों बाइक के माइलेज के बारे में, क्योंकि माइलेज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आजकल आप लोगों को पता है कि पेट्रोल का प्राइस कहाँ तक पहुँच चुका है, जिस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस है उस हिसाब से माइलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, खासकर तब जब हम एक स्पोर्ट बाइक लेते हैं। अगर इसकी माइलेज के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको ऑलमोस्ट 35 यानी कि 35 के आसपास का जो माइलेज है वो प्रोवाइड कर देती है, और मेरे हिसाब से 35 का माइलेज बुरा नहीं है इस बाइक के पावर के हिसाब से। बात कर लेते हैं दोस्तों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सबसे पहले बाइक की की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आप लोगों को बाइक में देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख पा रहे बाइक में आपको एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। आने वाले समय में हो सकता है कि फुली डिजिटल मीटर बजाज इस बाइक में प्रोवाइड कर दे। इस बाइक में दोस्तों स्पीडोमीटर देख पा रहे, सबसे पहले टेकोमीटर मिलता है जिसे RPM मीटर भी कहते हैं वो एनालॉग है, ओडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, साथ में बाइक में आपको क्लॉक मिलता है, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन लाइट, ABS इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दो स्विच भी मिलते
सकते हैं, जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हो। स्विचेस में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हैं आप लोगों को पास स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिंगल लैप एंड हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच एंड सेल्फ का स्विच इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। बॉडी टाइप में दोस्तों आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स बाइक है, यानी कि आप इसे स्पोर्ट फेयरिंग बाइक भी कह सकते हो, जैसे NS नेकेड स्पोर्ट बाइक है। वही दोस्तों बात करें अगर सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आप लोगों को बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। रियर में आपको बाइक में नाइट्रो मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है इसमें 1999 mm की, बाइक की जो वीट है इसमें 765 mm की, इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है इसमें 1114 mm की एंड बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 13 लीटर की। जी हाँ, 13 लीटर पेट्रोल एक बार में आप इसमें फ्यूल करा सकते हो। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें 157 mm की, बाइक की जो व्हील बेस है इसमें 1345 mm की एंड बाइक का जो कर्व वेट है इसमें 166 kg का। बात करते हैं दोस्तों बाइक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जो कि मुझे काफी पसंद है पर्सनली, वो है बाइक के इलेक्ट्रिकल्स। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं बाइक में आपको यहाँ पे हेडलाइट में डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ये डुअल प्रोजेक्टर लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट तो है, लेकिन दोस्तों ये हेलोजन के साथ में आती है। अभी इनकी जो 250 आई है नई F और N वाले, अगर प्रोजेक्टर लाइट इस RS में आ जाए ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा। हेडलाइट में आप लोग देख पा रहे हैं लो बीम हाई बीम दो प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, एक लो बीम है और एक हाई बीम है। टर्न सिंगल लैप में LED मिलती है, ये वही टर्न सिंगल लैप है जो कि KTM की बाइक्स में भी आते हैं। टेल लाइट में आपको बाइक में LED देखने को मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की है, बैटरी टाइप मेंटेनेंस फ्री बैटरी बाइक में आप लोगों को मिल जाती है। वही बात करते हैं बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज भी दोस्तों बाइक में आपको फ्रंट में 180 का टायर मिलता है। जी हाँ, 180 का टायर फ्रंट में यूज़ किया गया जो कि 17 इंच व्हील के साथ में आता है। रियर में आपको बाइक में 130/70 का टायर देखने को मिल जाता है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अलाउ व्हील है। दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में अगर बात करें, ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। जी हाँ, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि डुअल चैनल ABS है, तो बाइक की जो ब्रेकिंग है वो आपको काफ़ी बेहतर मिलेगी। प्लेट साइज के बारे में बात करें, बाइक में आपको फ्रंट में 300 mm की प्लेट देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी साइज होती है। एंड रियर में आप लोगों को बाइक में लगभग 230 mm के आसपास की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर RS 100 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब बात कर लेते हैं बाइक की डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डाउन पेमेंट फाइनेंस में जब आप गाइड लेते हो, डाउन DP देखे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जनरली। देखिए यहाँ पे आप लोगों को लगेगा सबसे पहले आपका एक ID प्रूफ, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर वो आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लगेगा पैन कार्ड लॉग इन कराने के लिए, ठीक है। 3 महीने का आपका पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा, 2 चेक लगेगा, कुछ साइन लगता है। साथ में दोस्तों अगर आप ITR देना चाहते हो तो ITR दोगे तो और अच्छा रहेगा, ITR लगता है जनरली, ऐसी कुछ लगते हैं। प्लस अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और खुद का घर नहीं है तो फिर रेंट एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस बाइक का प्राइस है 1,90,000 रुपये, 1,90,000 रुपीज़ इस बाइक का प्राइस है। अब मान लीजिए दोस्तों आप लोग DP देते हैं 55,000 रुपये आप लोग DP दे दिए, ठीक है, तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है गाइस वो है 1,35,000 रुपये। अब 1,35,000 में आप लोगों को कम से कम प्रोसेसिंग फीस लगेगा 5,000, चाहे आप कहीं से भी फाइनेंस कराओ। अगर आप गवर्नमेंट कराते हो तो भी लगेगा बैंक से, और अगर आप प्राइवेट करते हो तो वो भी लेते हैं, ठीक है। 1,40,000 रुपये हो गया आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट। अब दोस्तों आते हैं इंटरेस्ट पे। अब नॉर्मली जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 9%, 10%, 11%, 12%, किसी को 8% भी मिल जाता है क्योंकि जिनका सिविल स्कोर तगड़ा होता है। मिनिमम 10% तो लग ही जाता है ज़्यादातर लोगों को। तो 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1,40,000 का इंटरेस्ट आएगा 14,000 रुपये। लेकिन 14,000 आप लोगों का एक साल का इंटरेस्ट, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों एक साल का आपका इंटरेस्ट है 14,000 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराते हो, ठीक है, अब एक साल के लिए फाइनेंस कराओगे तो 1,40,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 14,000 रुपये प्लस कर दो, एक साल का इंटरेस्ट है आपका, तो टोटल जो फाइनेंस अमाउंट रहेगा, मतलब जो कि आपको EMI पे करना है, वो रहेगा 1,54,000 रुपये। अब 1,54,000 में आप इसे 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी गई लगभग आएगी 12,833 रुपये के आसपास का आपको मंथली पे करना पड़ेगा एक साल तक। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप करते हैं 2 साल के लिए, ठीक है, अब 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 14,000 रुपये एक साल का, 2 साल का हो जाएगा 28,000 रुपये। अब 1,40,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें दोस्तों 28,000 रुपये इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो 1,68,000 रुपये आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट हो जाएगा जो कि आपको पे करना है, कब तक, 2 साल तक। अब इसे 2 साल में पे करोगे तो अभी से बात है EMI में कन्वर्ट होगा, तो 24 से डिवाइड करोगे तो लगभग 7,000 रुपये के आसपास की आपकी मंथली EMI बनेगी। अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं, 3 साल के लिए फाइनेंस नहीं कराओ तो बेटर है भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 साल में ना इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है।
ठीक है, आप 3 साल के लिए मान लो कराते हो, 1,40,000 रुपये टोटल अमाउंट है, 14,000 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 14,000 × 3 कर दो, 42,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, प्लस कर दो, क्योंकि 1,82,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा ईएमआई पे, ठीक है। अब 1,82,000 रुपये को आप 36 से डिवाइड कर दोगे तो 5,055 रुपीज़, 5,055 रुपये के आसपास की आपकी मंथली ईएमआई आएगी, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 मंथ तक। तो मेरे हिसाब से भाई 2 साल के लिए कराओ बेहतर है। सो दोस्तों, ये था बजाज पल्सर आरएस 200 पे कंप्लीट रिव्यू प्लस बाइक का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।